अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ये स्वेटर, जिसके लिए मैंने लाइट येलो एंड डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल किया है। थ्रेड में वूल यूज़ कर रही हूँ, 4-ply वूल। 5 बटन्स हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले हम चैन करेंगे। चैन हमने 3 का मल्टीपल लेने हैं। मैं यहाँ 30 ले रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्वेटर बनाने के लिए वीडियो बनाई थी तो मुझसे पहले वीडियो डिलीट हो गई थी स्टार्ट की, इसलिए मैं दोबारा ये बना रही हूँ। तो लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि जितनी आपको चौड़ाई चाहिए आप उतने चैन करें, लेकिन हम 3 के मल्टीपल ही। यहाँ मैंने 30 चैन किए हैं। थ्री चैन एक्स्ट्रा करेंगे और फोर्थ चैन में हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने 30 डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ पे 30 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम वापस मुड़ेंगे और 3 चैन करेंगे। तीन चैन बनाने के बाद हम सेकंड जो हमने डबल क्रोशिया किया था पहले, वहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। चूँकि हम ये अपनी बैक साइड बना रहे हैं तो दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होंगे। और एक हमारा होगा सिंपल डबल क्रोशिया। अगेन 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। वन डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसी के साथ हम अपना पूरा डिज़ाइन, ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस रो में ऐसे ही चलेगा 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड 1 डबल क्रोशिया। दोबारा बता दूं, ये हमारी बैक साइड है। फ्रंट साइड हम दूसरी तरफ से बनाएंगे। यहाँ पे एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट पे हमारा डबल क्रोशिया बना। वापस मुड़ेंगे और फिर 3 चैन करके 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 फ्रंट पोस्ट
डबल क्रोशिया करेंगे। इस साइड पे हम दो डबल क्रोशिया करेंगे सिंपल, और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी बैक साइड से इस तरह जा रहा था कि जहां हम एक डबल क्रोशिया सिंपल करते थे, अब वहीं पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, और जहां पे हम डबल करते थे दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करते थे, वहां पे हम अपने दो डबल क्रोशिया करेंगे सिंपल। ये हमारी फ्रंट साइड होगी हमारे स्वेटर की। हमारा डिज़ाइन फोर्थ रो में वाज़ेह होगा। यहाँ पे हम फिर बैक साइड पे आ गए हैं, थ्री चैन की है, टू फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे एंड वन डबल क्रोशिया, टू फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया। इसी तरह ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। टू फ्रंट पोस्ट और ये, इस तरह हमारा डिज़ाइन मुकम्मल होगा। हमने बैक साइड कंप्लीट करनी है, पहले हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसी डिज़ाइन को लेकर हमने चलना है आगे और अपनी बैक साइड कंप्लीट करनी है। ये हमारी हाफ बैक साइड हो गई है। यहाँ से हम अपनी फ्रंट साइड भी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें सिंपल पहले सिंपल चैन करने होंगे। चैन को हम अपनी टोटल लेंथ जो हमने बैक साइड बनाई थी उससे थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा तो ये इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी, इसलिए हमें चैन जो हैं वो थोड़े कम रखने होंगे फुल लेंथ से। थ्री चैन एक्स्ट्रा करें, वन चैन एक्स्ट्रा करेंगे एंड फिर हम यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये चैन जो हमने एक्स्ट्रा बनाए थे अपनी फ्रंट साइड के लिए, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए लेकर जाएंगे। यहाँ पे मुकम्मल करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जब हम अपनी बैक साइड पे आएंगे तो हम वही जो हमारा डिज़ाइन चल रहा था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वाला, वही हम लेकर चलेंगे। ये आपने याद रखना है कि जब हमने फ्रंट साइड के लिए भी चैन करने हैं तो हमारे थ्री के मल्टीपल ही हों, क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन थ्री के मल्टीपल चैन पे बनेगा, क्योंकि हमें करने हैं टू डबल एंड वन फ्रंट पोस्ट। टू डबल क्रोशिया एंड वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया।
इसी डिज़ाइन को लेकर हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड पे भी हमें फ्रंट साइड के लिए चैन करने हैं। यहाँ पे हमारा हाफ साइड कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से फिर हम चैन करना स्टार्ट करेंगे और जितने हमने दूसरी पहली तरफ किए थे चैन उतने ही हम इधर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी चैन जो है वो अपने टोटल लेंथ से थोड़े कम रखेंगे ताकि जब हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो, फ्रंट साइड मुकम्मल हो, तो वो उसके बराबर आए बैक साइड के। थ्री चैन एक्स्ट्रा करेंगे और इस साइड से हम डबल क्रोशिया लेकर चलेंगे। इस तरफ हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसे हम अपनी बैक साइड तक लेकर जाएंगे। यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया किया और उसके बाद हम फिर अपना डिज़ाइन जो चल रहा था उसी को लेकर चलेंगे। टू फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड वन डबल क्रोशिया, टू फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ से हम अपना ये डिज़ाइन लेकर चलेंगे दूसरी तरफ जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। बैक साइड पे हम इसी डिज़ाइन को लेकर चलेंगे लेकिन जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे हम इस साइड की तरह डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट यहाँ से कर देना क्योंकि हम फ्रंट साइड पे भी वही डिज़ाइन लेकर चलेंगे जो हम बैक साइड पे लेकर चल रहे हैं। टू फ्रंट पोस्ट एंड वन डबल क्रोशिया एंड वन फ्रंट पोस्ट एंड टू डबल क्रोशिया। क्योंकि ये हमारी सीधी साइड आ रही है तो हम यहाँ पे टू डबल क्रोशिया एंड वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड टू डबल क्रोशिया।
वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया बन गए। अब इसी डिज़ाइन को लेकर चलेंगे हम जब तक हमारी फ्रंट साइड भी साथ में कंप्लीट नहीं हो जाती। हम अपनी टोटल लेंथ जितनी हम रखना चाहते हैं वहाँ तक इसी डिज़ाइन के साथ चलेंगे और यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड भी कंप्लीट हो गई है और साथ में बैक साइड भी। हमें लेंथ यहाँ तक की चाहिए थी, मैंने बताया क्योंकि मैं ये 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मुझे लेंथ इतनी ही चाहिए थी। अब हम इसको उल्टा करके साइड से सिलाई करेंगे। एक सुई में इसी कलर का धागा डाल के मैं इसे साइड से सिलाई करूँगी। किनारों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखना है ताकि हमारी दोनों साइड बराबर रहें। यहाँ से मैं बाजू के लिए जगह छोड़ूंगी, जितना बाजू रखना है वहाँ तक छोड़ के बाकी हम सिलाई कर देंगे। दोनों साइड से इसी तरह हम सिलाई करेंगे बाजू की जगह छोड़ के। यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई हो गया है। अब हम डार्क ब्लू कलर में बटन पट्टी बनाएंगे। पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, धागे को अच्छी तरह अटैच कर लेंगे साथ में। हमें यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है तो हम टू चैन लेंगे। और हर स्पेस में हम दो हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, टू हाफ डबल क्रोशिया इन ईच स्पेस। यहाँ पे भी टू हाफ डबल क्रोशिया। टू हाफ डबल क्रोशिया एंड इन नेक्स्ट अगेन टू हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरी साइड हम इस ऐसे ही बनाएंगे नीचे से इन ईच स्पेस टू हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने अपनी ये साइड कंप्लीट कर लिया है। नीचे से हमने
अब हम पटन पट्टी की तरफ जाएंगे। कॉर्नर पे हम 4 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एंड फिर बाकी हम इन ईच स्पेस 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह इस सारे को हम 1 हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पे जैसे हमने 3 पहले ही हमारे पास थे हाफ डबल क्रोशिया, तो 1 अगेन किया और फिर हम इसे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पे हमने अपना थ्रेड अगेन चेंज करना है। हम फिर अपने स्वेटर के रंग का ही थ्रेड लेंगे। One chain and again हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया से। ये चारों तरफ हम डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया हाफ डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करके फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम उल्टी साइड पे जाएंगे बटन होल्स बनाने के लिए। हम उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम जाएंगे। हमें सबसे पहले मार्क करनी है वो जगह जहाँ पे हमने बटन्स लगाने हैं। उसके लिए हम बटन्स रख के देखेंगे, जहाँ जहाँ पे आएंगे वहाँ हम मार्क कर लेंगे।
जिधर जिधर हमने बटन रखे हैं वहाँ पे हम मार्क करते जाएंगे ताकि जब हम बनाएं तो हमें पता चलता जाए कि यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया के साथ ही हम आगे भी जाएंगे। यहाँ पे हम फोर चैन करेंगे बटन होल के लिए। फोर चैन करने के बाद हम फोर्थ डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री स्पेसेस हमने स्किप करनी है। इसके बाद फिर चलेंगे हाफ डबल क्रोशिया के साथ आगे और जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था वहाँ पे हम इसी तरह फोर चैन एंड फोर्थ प्लेस पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। थ्री स्पेसेस हमने स्किप करनी है। यहाँ पे फाइव बटन होल्स बन चुके हैं। बाकी सारी साइड हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करेंगे चारों तरफ। यहाँ पे हमने एक साइड कंप्लीट कर ली, एक वो मुकम्मल हो गई। इसके बाद फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। कॉर्नर पे हमने फोर हाफ डबल क्रोशिया ही बनाने हैं और फिर ज्वाइन करना है। टू चैन करेंगे और फिर हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ आगे जाएंगे। अब जो हमने चैन बनाए थे वहाँ पे भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हर चैन पे। ये हमारी लास्ट रो होगी। हर चैन के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। बटन होल आपने अपने बटन के साइज़ को देख के बनाना है। अगर आप छोटे बटन यूज़ कर रहे हैं तो आपका होल भी छोटा होगा। आप थ्री की बजाय टू या फोर की बजाय टू या थ्री चैन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू के इर्द गिर्द डार्क कलर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। धागे को अच्छी तरह ज्वाइन कर लें
ताकि बाद में वो खुले ना, क्योंकि अगर एक जगह से भी धागा निकल गया तो हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब होता है। जैसे हमने फ्रंट साइड पे और बटन पट्टी पे हाफ डबल क्रोशिया किया था, वैसे ही हम इस बाजू के बॉर्डर के लिए भी हाफ डबल क्रोशिया ही करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्वेटर। पॉकेट्स के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, वो देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप टेडी बियर फेस देख सकते हैं। बटन ज्वाइन कर लिए हैं मैंने और ये मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप इजीली बना सकते हैं इस तरह का स्वेटर। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।